सभी को प्यार भरा नमस्कार। इम्पीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लेकिन इस प्रकार के सवाल आते ही हैं। तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा, क्लास छोटी ही रखी है आज। 15 गोल्डन क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। अगर क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर कंटिन्यू हम रोज़ के 50 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, पूरी क्लास अटेंड करिएगा ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा। यकीन मानिए, बहुत फ़ायदा होगा। अगर न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है हमसे, प्रकृति में धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति के अंदर धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए है हमारा संयुक्त अवस्था में, ऑप्शन बी है हमारा मुक्त अवस्था में, ऑप्शन सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, प्रकृति में धातुएं पूछी हैं। धातु मतलब लोहा, सोना, तांबा, ये सब किस अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त का मतलब दो या दो से अधिक धातुएं एक साथ रहती हैं। मुक्त का मतलब एक सिंगल धातु एक साथ रहती है। ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब, लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। जिसने इसका जवाब दिया है ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। प्रकृति में जो धातुएं पाई जाती है वो संयुक्त रूप में भी पाई जाती है और मुक्त रूप में भी पाई जाती है। जो संयुक्त रूप में पाई जाएगी उसमें दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होगा, और जो मुक्त रूप में पाई जाएगी उसमें सिर्फ एक सिंगल धातु ही होगी। तो ध्यान रखना, अगर संयुक्त रूप में पाई जाएगी दो, तो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होगा, और अगर मुक्त रूप में पाई जाएगी तो उसमें एक ही धातु होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, किसी अयस्क से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है। किसी अयस्क से, अयस्क होता है किसी धातु का चूर्ण होता है, या उस जो हमें धातु मिलती है उसको पीसते हैं, वो अयस्क कहलाता है। तो अयस्क से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, बताना है आपको। डार्बनीकरण, ऑप्शन बी है हमारा विगलन, ऑप्शन सी है धातुक्रम, और ऑप्शन डी है हमारा शोधन। बताइए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयस्क से धातु प्राप्त करना, जिसने जवाब दिया है धातुक्रम, बिल्कुल सही जवाब है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया धातुक्रम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, वे खनिज जिनमें धातुओं को आसानी से अलग किया जा सकता है क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, वे खनिज जिनसे या जिनमें धातुओं को आसानी से अलग किया जा सकता है क्या कहलाती है। खनिज सब आप जानते हो, खनिज संपदा मतलब लोहा, तांबा, ये सारी क्या कहलाती हैं, खनिज कहलाती है। लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर, ये सब क्या कहलाती है, खनिज संपदा कहलाती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो खनिज होते हैं उनमें से धातुओं को अलग करना, आसानी से अलग किया जा सकता है, कौन सी विधि से। ऑप्शन ए अयस्क चूर्ण कहलाएगा वो, ऑप्शन बी हमारा मिश्रण कहलाएगा, सी यौगिक, और डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, क्या कहलाएगा वो। वे खनिज जिनमें धातुओं को आसानी से अलग किया जा सकता है क्या कहलाता है। जिसने अयस्क चूर्ण जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, क्या कहलाता है, अयस्क चूर्ण कहलाता है। जिनसे हम क्या करते हैं, धातुओं को अलग करते हैं, वे अयस्क चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, ताजमहल का रंग पीला पड़ने का कारण है। ये एक बार ICR के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेगमेंट में, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, और कल मैंने बताया भी था आपको इस क्वेश्चन के बारे में। तो बताइए जल्दी से, ताजमहल का रंग पीला पड़ने का कारण है, जो ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है वो धीरे धीरे पीला क्यों पड़ रहा है। ऑप्शन ए है हमारा अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी है हमारा वर्षा की कमी, ऑप्शन सी है हमारा ओलावृष्टि, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब। ताजमहल का पीलापन क्यों हो रहा है, क्यों पीला हो रहा है ताजमहल, अम्लीय वर्षा के कारण, वर्षा की कमी के कारण, ओलावृष्टि के कारण, या फिर कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है अम्लीय वर्षा, बिल्कुल सही जवाब है। जो अम्लीय वर्षा होती है वो कैसे होती है, अम्लीय वर्षा की परिभाषा भी समझ लीजिए आप। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा का मतलब होता है जो आसपास, हमारे आसपास जो कल कारखाने होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी भारी मात्रा में धुएं को छोड़ते हैं और प्रदूषण करते हैं। वो प्रदूषित धुआं क्या करता है, वातावरण में जाकर रुक जाता है, ठहर जाता है और तैरता रहता है वहीं पर। और जब
बरसात का सीज़न होता है या बरसात जब बनती है या जब आर्द्रता बनती है तो आर्द्रता में वो मिक्स हो जाता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है और अम्ल बन के क्या होता है, अम्ल बन के नीचे आता है। वर्षा जल के साथ अम्ल बन के क्या हो जाता है, नीचे आता है और वो ही अवस्था अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपको क्या, किस तरीके से आपको समझना होगा कि ये अम्लीय वर्षा है, ये कैसे होगी। अम्लीय वर्षा जो आसपास ताजमहल के आसपास क्या है, ताजमहल के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं और वो फैक्ट्रीज़ क्या है, बड़ी भारी मात्रा में क्या करती हैं, धुएं को निकालती हैं और धुएं को निकालने के साथ साथ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता हो जाता है। जब बरसात होती है तो बरसात के समय क्या होता है, फिर वो अम्ल जो होते हैं वो अम्ल वर्षा जल के साथ घुलकर नीचे आते हैं और उस सफ़ेद संगमरमर को, उस सफ़ेद संगमरमर को क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं उसके ऊपर, इसीलिए वो क्या हो रहा है, हल्का पीला पड़ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, रसायनों का राजा किसको कहा जाता है, रसायनों का राजा किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है हमारा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है हमारा नोसादर और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन क्लोरीन। बताइए जल्दी से, हाइड्रोक्लोरीन। रसायनों का राजा किसे कहेंगे, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसायनों का राजा जिसने सल्फ्यूरिक अम्ल जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, जो रसायनों का राजा कहलाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। तो रसायनों का राजा कौन होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इसके एक दो और उपनाम हैं, देखिए इस रसायनों के राजा को अम्लराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है और इसे ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अम्लराज और ऑयल ऑफ विट्रोल, तो इसके दो नाम हो गए, तीन नाम हो गए हैं, एक तो रसायनों का राजा, दूसरा अम्लराज और तीसरा हो जाएगा इसका नाम ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल पूछा गया है, अभी तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस गोल्डन क्वेश्चंस लाया हूं मैं, बताइए जल्दी से, अभी तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, बताइए जल्दी से कितने तत्व खोजे जा चुके हैं अभी तक, बताना है आपको कितने तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं, 101, 108, 118 या फिर 121। जिसने इसका जवाब दिया है 118, बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, अभी तक कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माचिस की तीलियां बनाने में उपयोगी रसायन है, माचिस की तीलियां बनाने में कौन सा रसायन उपयोगी है, बताना है आपको, मतलब जो माचिस होती है उसमें जो तीली होती है उसके आगे एक विशेष प्रकार का एक काला काला या लाल लाल या एक हला सा हरा हरा पदार्थ लगा होता है, उसी के कारण माचिस जलती है। तो बताना है वो हरा सफ़ेद पदार्थ क्या है, वो लाल फास्फोरस है, काला फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस है या फिर नीला फास्फोरस है, बताइए जल्दी से, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस या फिर नीला फास्फोरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको। माचिस की तीलियां बनाने में उपयोगी रसायन कौन सा होगा, जिसने इसका जवाब दिया है लाल फास्फोरस, बिल्कुल सही जवाब है, वो जो जिससे हम माचिस बनाते हैं या जो आगे एक पदार्थ लगा होता है ज्वलनशील पदार्थ, वो ज्वलनशील पदार्थ और कोई नहीं होता है, वो सीधा क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है, क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। तो माचिस की तीलियां बनाने में उपयोगी रसायन लाल फास्फोरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल व क्षार विद्युत के होते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, अम्ल व क्षार विद्युत के क्या होते हैं, अम्ल व क्षार बताना है आपको, विद्युत के क्या होंगे, विद्युत के चालक होंगे, कुचालक होंगे, सुचालक होंगे या कोई नहीं, अम्ल व क्षार क्या होते हैं, विद्युत के चालक, कुचालक, सुचालक या कोई नहीं, बताइए जल्दी से, जिसने इसका जवाब दिया है सुचालक, बिल्कुल सही जवाब है। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, अम्ल और क्षार विद्युत के चालक, विद्युत के सुचालक होते हैं। और अम्ल और क्षार के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, जो क्षार होता है वो जलीय विलयन को क्या कर देता है, लाल जो जलीय विलयन होता है उसको नीला कर देता है। जो हमारा क्षार होता है, देखिए क्षार, क्षार के बारे में बता रहा हूँ मैं, क्षार होता है वो क्या करता है, वो किसी भी जो विलयन है उसका कलर अगर लाल है तो उस लाल कलर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये तो गुणवत्ता हुई क्षार की। अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले, जो नीला विलयन है उसको क्या कर देता है, नीले को लाल कर देता है। तो अम्ल तो नीले विलयन को लाल कर देगा और क्षार लाल विलयन को नीला कर देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अम्ल और क्षार क्या होते हैं, अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक माने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई बतानी है आपको,
ओजोन परत की, आप जानते हो ओजोन परत क्या होती है? ओजोन हमारी पृथ्वी के वायुमंडल को कवर करते हुए एक मोटी परत होती है जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, वहीं बाहर ही रोक लेती है और वो पराबैंगनी किरणें अंदर नहीं आ पाती। उनको इंग्लिश में हम अल्ट्रा वायलेट के नाम से जानते हैं। और इसके कारण क्या होता है, वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं और पेड़ पौधों और अन्य जो जीव होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। इसीलिए उसको क्या, ये जो ओजोन परत होती है ये उन किरणों को रोक लेती है, इसलिए इसको हमारी ये ओजोन जो परत होती है इसको हमारे जीवनदायिनी परत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमें जीवन देती है। अगर ओजोन परत नहीं होगी तो जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसके चपेट में आ जाएगी और यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। तो अब बताइए जल्दी से, आपको ओजोन परत की मोटाई नापने की बतानी है इकाई, मर्केली, डॉब्सन, साइसेर और मर्फी। बताइए जल्दी से, मर्केली, डॉब्सन, साइसेर और मर्फी, क्या होगा इसका जवाब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने बताया है डॉब्सन, बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या होगी, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होगी, डॉब्सन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डॉब्सन कहलाएगी। और देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ही अभी कोरोना का प्रकोप हुआ तो पूरा इंडिया और पूरा भारत और पूरा जो विश्व है वो लॉकडाउन हो गया था, तो पॉल्यूशन इतना कम लेवल तक गिर चुका था, इतना नीचे गिर चुका था कि पॉल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो हो रहा था, बिल्कुल 1% हो रहा था। और ये प्रोसेस लगभग एक महीने तक चला था, 1 से 1.5 महीने तक चला। और इस दौरान क्या हुआ, जो हमारी ओजोन लेयर है पहले उसमें प्रदूषण के कारण छेद हो रहा था और उस छेद को ऑटोमेटिक ही ओजोन लेयर ने क्या कर लिया, खुद ब खुद ठीक कर लिया, क्योंकि प्रदूषण कम हो गया। प्रदूषण कम होने के कारण क्या हुआ, प्रदूषण कम होने के कारण ओजोन परत ने खुद को रिपेयर कर लिया और अब जो ओजोन परत की जो होल की मोटाई है वो बहुत कम हो चुकी है पहले की अपेक्षा, और जो एनवायरनमेंट के अंदर जो इतना पोल्यूशन था वो भी बहुत मात्रा में गिर चुका है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भले ही कोरोना आया लेकिन हमें कुछ, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसको बहुत हेल्प मिली है, बहुत प्रदूषण कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी अम्लीय विलयन का पीएच होगा, किसी अम्लीय विलयन का पीएच, अम्लीय विलयन पूछा है, क्षारीय या उदासीन नहीं पूछा है। अब अम्लीय विलयन का पीएच बताना है, पीएच 4 होगा, 7 होगा, 11 होगा या फिर 14 होगा। बताइए जल्दी से, 4, 7, 11 है या 14 है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। अम्लीय विलयन का पीएच, जिसने जवाब दिया है 4, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल की खोज बता देता हूँ आपको, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने की थी पीएच स्केल की खोज। पीएच क्या बताता है, पीएच स्केल क्या बताता है, किसी भी विलयन में अम्ल और क्षार की मात्रा को पीएच स्केल के द्वारा देखा जा सकता है। तो पीएच स्केल क्या बताता है, अम्ल और क्षार की मात्रा को दर्शाता है। तो उसमें क्या होता है, जो 7 होता है, जो नंबर 7 होता है वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, और नंबर 7 के नीचे जितने भी विलियंस होते हैं या विलियन होते हैं, वो विलियन क्या होते हैं, जितने भी विलियन होते हैं वो सारे के सारे विलियन अम्लीय विलियन कहलाते हैं, और जो 7 के ऊपर जितने विलियन होते हैं वो सारे विलियन क्या कहलाएंगे, वो सारे विलियन क्षारीय विलियन कहलाएंगे। तो 7 के ऊपर क्षारीय विलियन, 7 के नीचे अम्लीय विलियन, और 7 खुद क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय विलियन कौन सा होगा, 4 होगा, 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा उदासीन, और 7 के ऊपर 11 और 14 है, ये कौन से विलियन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे क्षारीय विलियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी मिट्टी का पीएच 7 है, तो उसका आंसर देना होगा आपको कि किसी मिट्टी का पीएच 7 है तो वो मिट्टी कौन सी होगी, अम्लीय होगी, हल्की अम्लीय होगी, उदासीन होगी, क्षारीय होगी। तो जवाब होगा आपका उदासीन होगी। उदासीन कैसे होगी, क्योंकि 7 पीएच मान वाली मृदाएं क्षारीय रहती है, सॉरी उदासीन रहती है, और सबसे अच्छी मानी जाती है खेती के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्निशमन यंत्र बनाने में उपयोगी पदार्थ है। अग्निशमन यंत्र देखा होगा आपने, अग्निशमन एक विशेष प्रकार का रेड कलर का एक वो होता है जिसमें हैंडल लगा होता है, ड्रम टाइप का होता है छोटा सा, और उसके अंदर एक गैस भरी जाती है, जो गैस क्या करती है, जैसे ही वो वायु उसके आग के संपर्क में आती है वो आग को बुझा देती है। तो अब पूछा गया है उस यंत्र के अंदर ऐसा कौन सा उपयोगी पदार्थ डाला जाता है जो हवा और आग के संपर्क में आने पर आग को बुझा देता है। तो ऑप्शन ए है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी है हमारा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, अग्निशमन यंत्र बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा होगा, अग्निशमन यंत्र बनाने में उपयोगी पदार्थ बताइए जल्दी से।
ए बी सी डी, जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होगा। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल सही जवाब है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो कहाँ होता है, वो मुख्य रूप से उसका उपयोग किया जाता है आग बुझाने वाले यंत्र का निर्माण करने में या अग्निशमन यंत्र में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। ऑप्शन ए है हमारा उत्प्रेरक, ऑप्शन बी है हमारा वेग कारक, ऑप्शन सी है अभिकारक और ऑप्शन डी है हमारा गति प्रवर्तक। बताइए जल्दी से, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक, वेग कारक, अभिकारक या फिर गति परिवर्तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन आपको। हालांकि कुछ बेसिक्स हैं लेकिन ये बेसिक आपको आगे बहुत हेल्प करेगी एग्जाम फाइट करने में। अगर इनमें से, अगर मैंने पूरी टेस्ट सीरीज करवाई और उनमें से आपके 40 में से अगर आपके 20 सवाल भी, 20 क्वेश्चन भी बेसिक के आते हैं तो बहुत मदद मिलती है आपको, क्योंकि कोई सा भी पेपर हो उसमें 50% बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो जिसने उत्प्रेरक जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया को वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य सिर्फ यही होता है, ये स्वयं परिवर्तित होते हुए क्या कर देते हैं, खुद तो परिवर्तित नहीं होते लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या फिर परिवर्तित कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इसके बारे में और पूछ लिया जाए कि उत्प्रेरक के अलावा और उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक होते हैं। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम वो कौन से उत्प्रेरक होते हैं, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो जैव उत्प्रेरक के बारे में पूछ ले तो बता देना है आपको, जो एंजाइम होंगे सारे जितने भी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर निर्भर करती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है हमारा परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी है परमाणु संख्या और ऑप्शन डी है परमाणु भार। बताइए जल्दी से, किस पर निर्भर करती है मेंडलीव की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी किसने दी थी, मेंडलीव ने दी थी। आवर्त सारणी में क्या है, तत्वों को क्रमों के हिसाब से वर्ग और आवर्त में रखा गया है। बताइए जल्दी से, मेंडलीव ने आवर्त सारणी किसके आधार पर दी थी। जिसने इसका जवाब दिया है द्रव्यमान, बिल्कुल सही जवाब है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो किस पर निर्भर थी, वो द्रव्यमान पर निर्भर थी। परमाणु के द्रव्यमान को आधार मानकर, परमाणु के द्रव्यमान को आधार मानकर क्या किया गया था, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था और उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही तत्वों को उनके हिसाब से व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया गया था। किसके अंदर व्यवस्थित किया गया था, पेरियोडिक टेबल बोलते हैं उसको, या फिर आवर्त सारणी भी बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, पहले पूछा था मेंडलीव की आवर्त सारणी, अब इसमें पूछा गया है मोजेल की आवर्त सारणी किस पर निर्भर है। पूछा गया है मोजेल की आवर्त सारणी किस पर निर्भर है, तो अगर आपको पूछ ले आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, मोजेल ने दी। और पहली आवर्त सारणी किसने दी, तो पहली आवर्त सारणी किसने दी थी, पहली आवर्त सारणी दी थी मेंडलीव ने। अब बताना है आपको, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मोजेल की आवर्त सारणी है, वो किस पर निर्भर है। ऑप्शन ए है हमारा परमाणु क्रमांक, ऑप्शन ए है हमारा परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी है हमारा परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी है हमारा परमाणु संख्या और ऑप्शन डी है हमारा परमाणु भार। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। बताइए इसका क्या जवाब होगा, जिसने जवाब दिया है इसका ऑप्शन बी वाला, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। जिसने बी दिया है, बी गलत है, ऑप्शन सी जवाब सही है। जिसने परमाणु संख्या इसका जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। जो मोजेल की आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर निर्भर है और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर है। ठीक है, मोजेल ने जो आवर्त सारणी दी थी वो 1913 में दी थी। मोजेल ने जो आवर्त सारणी दी थी वो आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है और वो 1913 में दी थी। और मोजेल की आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या पूछ ले आपसे, तो वर्ग होंगे 18 और आवर्त होंगे 7। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास जब होगी तो उसमें बात करेंगे। और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें वर्ग की संख्या 19 और आवर्त की संख्या 7। तो दोनों में ध्यान रखना है, दोनों में आवर्त तो 7 ही होंगे लेकिन जो वर्त है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 19 थे और मोजेल की आवर्त सारणी में 18 ही रह गए। सिर्फ एक वर्ग का अंतर है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
जेट, जब मैंने जेट का एग्ज़ाम दिया था तो उस साल ये क्वेश्चन आया था जेट के अंदर कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है। अब आप सब लोग जानते हो वर्षा दो प्रकार की होती है, एक तो साधारण वर्षा और एक अम्लीय वर्षा, तो दोनों का पीएच मान जो होगा वो अलग अलग होगा। अब बताइए पहले तो आप वर्षा जल का पीएच मान बताना है आपको, सिर्फ वर्षा जल पूछा है, ऑप्शन ए है हमारा पीएच 5, ऑप्शन बी पीएच 7, ऑप्शन सी पीएच 9 और ऑप्शन डी है हमारा पीएच 11। बताइए जल्दी से वर्षा जल का पीएच मान कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से वर्षा जल का पीएच कितना होगा। जिसने वर्षा जल का पीएच मान 7 दिया है, उदासीन, बिल्कुल सही है। वैसे वर्षा जल जो होता है हल्का सा अम्लीय होता है, तो 6.9 भी आ जाए, 6.9 भी अगर आ जाता है ऑप्शन में तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, हल्का अम्लीय होता है और हल्का अम्लीय होने के साथ साथ क्या होता है, पीएच जो मान होगा वो 7 होगा या 6.9 आ जाता है, 6.9 या 6.8 तक भी आ जाता है तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में और इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ आपको। अभी जो आज क्लास लगी है अपनी केमिस्ट्री की, मैंने देखा इसमें कोई खास लाइव स्टूडेंट नहीं है, खास ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आपने शेयर नहीं किया होगा। तो इस ये जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाए इसका लिंक आपको शेयर करना है। अब से इस समय रोज़ केमिस्ट्री की क्लास लगेगी, वो तभी लगेगी जब इसका परफॉर्मेंस ठीक होगा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में बहुत समय लगता है क्लास बनाने में, और एक दिन में 4 क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, एक दिन की क्लास 4 क्लास एक टीचर, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब मेहनत इतनी करने के बावजूद आपके रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, आपके कमेंट्स अच्छे नहीं मिलते, तो फिर ऐसा मन करता है कि बस अब पढ़ाना नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, इसको स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें। ठीक है, तो वर्षा जल का पीएच कितना हो गया, वर्षा जल का पीएच हो गया हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होगा, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होगा। बताइए जल्दी से अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होगा, पीएच 5.5, पीएच 7.5, पीएच 3.3 या पीएच 10। बताइए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही बेसिक क्वेश्चन हैं और हर एग्जाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको इतना फ़ायदा हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है। इसीलिए मैं कह रहा था पूरी क्लास अटेंड करना, बहुत फ़ायदा होगा आपको। बताइए जल्दी से अम्लीय वर्षा जल का पीएच कितना होगा, जिसने 5.5 आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच तो होता है 5.5, और अगर वर्षा जल का पीएच पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ वर्षा जल का पीएच पूछा जाता है, तो मैंने अभी बताया हल्का अम्लीय होता है 6.7 या 6.8 से लेकर 7 तक का पीएच मान जो होगा वो वर्षा जल का पीएच मान कहलाएगा। तो आज ये इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताया। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को पता नहीं है और वो लाइव क्लास में आना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। तो आप इसको शेयर करिए, और शेयर आपको मैं हमेशा बोलता हूँ लेकिन आप शेयर नहीं करते हो, तो अगर आप ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दिखा दीजिए, इसको स्टेटस पे लगाइए, स्टेटस पे लगाने के साथ साथ इसको फेसबुक पे भी शेयर कीजिए ताकि मुझे आसानी हो सके। ठीक है, तो कल वापस से इसी समय मुलाकात होगी केमिस्ट्री के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। कल क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होंगे, फिर धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, जैसे जैसे लाइव क्लास में स्टूडेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो नॉर्मल आपकी केमिस्ट्री होती है, जो नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको तैयार करवा दूंगा, ताकि आपकी लगभग 40% केमिस्ट्री तैयार हो जाए। तो टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने रहिए, और क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 8:30 बजे मिलेंगे बायोलॉजी के धमाकेदार क्लास में, आज बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, तो उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।